प्रयागराज के माघ मेले में एक बार फिर सामने आए कोरोना के केस। 5 और लोगों में मिली संक्रमण की पुष्टि। माघ मेले में अब तक कोरोना के 77 मामले सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में कोरोना के 322 नए मामले। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2799। सिटिंग एमपी को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी भाजपा। अखबार ने तय किया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक ही परिवार में दो लोगों को नहीं मिलेगा टिकट। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन नहीं। सपा के दो एमएलसी भाजपा में शामिल। सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने थामा भाजपा का दामन। सपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने भी ज्वाइन की भाजपा। पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भी पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव के सामने ली पार्टी की सदस्यता। दारा सिंह के साथ आर के वर्मा, राम आसरे चौहान समेत कई नेताओं ने सपा ज्वाइन की। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की जमानत जब्त कराएं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सबका सहयोग आवश्यक। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने लगातार नफरत, विभाजन और झूठ की राजनीति की। हम विकास, खुशहाली की राजनीति करेंगे। नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से। अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की। सपा के गठबंधन की चुनावी लिस्ट पर सीएम योगी का निशाना। कहा, अपराधियों को टिकट देना उनके चरित्र को दिखाता है। साथ ही कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट सामाजिक न्याय की प्रतीक। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर